गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो धाकड़ का ट्रेलर पहली बार देखते से ये बात समझ में आ गई थी कि मूवी कुछ अलग करने जा रही है, एंड इसे देखकर ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ, एकदम कुछ डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं धाकड़ के बारे में कि क्या था, क्यों था, कैसे था, और क्या आपको इसे थिएटर में जाके देखना चाहिए कि नहीं। तो बिना सस्ती भोपाली बोले चलिए शुरू करते हैं। धाकड़ उन मूवीज में से है जिसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मिक्स टाइप की फीलिंग आएगी, क्योंकि पिक्चर एट टाइम्स काफी कंप्लीट फील होती है और उसी के साथ में इनकम्प्लीट भी। मुझे पता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी अंडरबन टाइप की लग रही होंगी, लेकिन सच में ऐसे ही है। अगर सबसे पहले स्टोरी से शुरू करें तो ये मूवी फॉलो करती है कंगना रनौत के कैरेक्टर अग्नि को, जो एक सीक्रेट एजेंट है और ह्यूमन चाइल्ड और वुमेन ट्रैफिकिंग के जितने भी केसेस होते हैं उन सबको ये अपने हैंडलर के साथ मिलकर हैंडल करती है, और इसी तरह से इसका आमना सामना होता है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से। फिर इसके बाद चीजें कहां प्रोग्रेस करती हैं, कैसे प्रोग्रेस करती हैं और क्यों प्रोग्रेस करती हैं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी, और देखोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखो, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला या बोलूंगा वो मेरा अपना ओपिनियन था, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको भी अपना सही ओपिनियन देने के पैसे मिल सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रोबो नाम के एक ऐप के बारे में, जहां पर आपको बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, यूट्यूब, हॉलीवुड या पॉप कल्चर जैसी कैटेगरीज के किसी भी क्वेश्चन का यस और नो जवाब देना है, और सही होने पर आपको पैसे मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साथ मिलके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या 22 तारीख को मतलब कल जो पंजाब और हैदराबाद का मैच है उसमें पंजाब जीतेगी हैदराबाद से? मुझे लग रहा है कि हैदराबाद जीतेगी, तो मैं इस पे नो कर देता हूं। चलो इसके बाद दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो क्या धाकड़ जो है वो अपने पहले हफ्ते में 30 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? तो यहां पे मुझे हां लग रहा है, तो मैं यस कर देता हूं। और इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा करना है तो पंजाब वर्सेस हैदराबाद का जो अपकमिंग मैच है उसकी पहली इनिंग के स्कोर को प्रिडिक्ट करके आप 100 गुना तक रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बहुत ही आसान और इंस्टेंट है, क्योंकि गूगल पे और पेटीएम से हो जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोमो पे साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उससे जाकर साइन अप करने पे आपको मिलेगा 50 रुपीज का साइन अप बोनस। तो साइन अप करो, प्रोमो करो और इस आईपीएल में खूब कमाओ। फिर इसके बाद अगर मैं इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो इसको डायरेक्ट किया है रजनीश खाई ने, और इससे पहले तक उनका कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट काम नहीं है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सको कि ये किस तरह की फिल्मों के शौकीन रहे हैं। लेकिन इस पिक्चर में उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ से कम नहीं है। मतलब मूवी का डायरेक्शन इस पूरी पिक्चर की जान है, इसका कलर पैलेट इतना ज्यादा ऑसम है और एट टाइम्स ऐसे नियॉन टाइप के कलर्स को यूज किया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ जब ऐसी कोजी टाइप की फीलिंग देनी है तो वहां पर वार्म कलर्स का यूज किया गया है जो पूरी तरह से फिल्म के माहौल के साथ मिक्स एंड मर्ज हो जाता है और एक सॉर्ट ऑफ मूड सा सेट कर देता है। अगर आप लोगों ने कुछ टाइम पहले आने वाली चार्लिज थेरॉन की एटॉमिक ब्लॉन्ड देखी है तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि मूवी बहुत ज्यादा काफी हद तक उसी के कलर पैलेट को फॉलो करती है, और बहुत सारे सीन्स आपको ऐसा लगेगा कि वहीं से उठाकर यहां पर लिए हुए, स्पेशली जो कंगना की पूरी एंट्री और वो स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस है वो तो बिल्कुल ही वैसा का वैसा है। एंड बहुत बार इस मूवी का डायरेक्शन आपको स्ट्रेट आउट ऑफ अ जेम्स बॉन्ड मूवी फील होगा। अगर आप लोगों ने स्काई फॉल, नो टाइम टू डाई और अभी रीसेंट टाइम में आने वाली जो भी जेम्स बॉन्ड की मूवीज है उनको देखा है तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर फ्रेम सीक्वेंसेस बहुत हद तक उससे मिलती जुलती है। मतलब कई सारे सीन्स में हम जेम्स बॉन्ड वाली सिम्फनी को बैकग्राउंड में सुनता हुआ फील कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि ये उसी मूवी का सीन है। फिर इसके बाद एक पूरी बुडापेस्ट वाली सीक्वेंस है जो मूवी के आखिरी टाइम पे आती है, जहां पर एक पूरी कार वार चला के ले जाती है और बहुत ही वार्म कलर्स का यूज हुआ है, और उसे देखकर भी मुझे एकदम जेम्स बॉन्ड मूवी वाली फील आई। और मैं सारी चीजें अच्छे सेंस में मीन कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ही सोचता था कि अगर हॉलीवुड में ये सब कुछ हो सकता है तो फिर हमारे बॉलीवुड में क्यों नहीं, एंड हियर इट इज। और हालांकि एटॉमिक ब्लॉन्ड एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक था कि वो थोड़ी स्लो पेस पे मूव करती है, एंड वही सेम ड्रॉबैक इस वाली मूवी के साथ में भी है। इसकी एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे मूव करती है, लेकिन उसके बाद जब मूवी थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगती है तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, एंड एट टाइम्स आपका मूवी पे से अटेंशन छूटने सा लगता है। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो देखो, इस पिक्चर के ऑलमोस्ट हर एक सीन में कंगना है और कंगना ने बहुत बढ़िया काम किया है। देखो, ये बात बहुत ही वेल नोन है कि कंगना एक काफी अच्छी एक्ट्रेस है, तो इस मूवी में भी उन्होंने अग्नि के कैरेक्टर को अपने अंदर एकदम आत्मसात कर लिया है, लेकिन ये मूवी एक्टिंग से कुछ ज्यादा डिमांड करती है और वो है एक्शन सीक्वेंसेस। एंड इस मूवी में कंगना ने जो एक्शन सीक्वेंसेस में जान डाली है भाई साहब, वो देखने लायक है। लेकिन एक्शन पे मैं आगे बात करूंगा, फिलहाल के लिए हम कैरेक्टर्स पे रहते हैं। तो अर्जुन रामपाल जो इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर है, उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है। उनका कैरेक्टर एक साइको विलन टाइप का है जिसको देख करके आपको सच में वही फील आएगी, एंड यू कीप वंडरिंग टू योरसेल्फ कि अगर ये बंदा मुझे सच में सामने दिख जाएगा तो पैंट गीली हो जाएगी। फिर इसके बाद दिव्या दत्ता और जो बाकी की सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया
टाइप का काम किया है। एंड फिर नेक्स्ट जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो इस मूवी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है एक्शन। अब ट्रेलर से ये बात समझ में आ गई थी कि पूरी की पूरी मूवी अपने आप को एक्शन के दम पे चलाने की कोशिश कर रही है। तो आप वही चीज देखने के लिए मूवी में जाते हो और आपको मिलेगा भी क्वालिटी का एक्शन, लेकिन थोड़ा सा कम है। मूवी की स्टार्टिंग में एक एक्शन सीक्वेंस है जिसको देखकर आपको जॉन विक, मिस्टर नोबडी, किल बिल इन सारी मूवीज की याद आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मूवी में बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। विंटरवेल से पहले आपको स्टार्टिंग में एक एक्शन सीक्वेंस देती है और उसके बाद एक स्लो पेस पे मूव करने लगती है, अपनी स्टोरी को बिल्ड करने लगती है। अगर आप लोग को स्पाई थ्रिलर स्लो बर्न टाइप की मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए है। और मैंने इस मूवी में ये भी नोटिस किया कि गनशॉट्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक टाइप के फील होते हैं एंड ये साउंड इफेक्ट सिर्फ गनशॉट तक लिमिटेड नहीं है। जब कंगना अपनी कटाना को निकाल कर कटाना से लड़ती है तो जो सोर्ड फाइट के साउंड्स है वो भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगे। लेकिन ये कॉमिक वर्स है और यहाँ पर अच्छी और बुरी चीजें बताना मेरा फर्ज है, तो अगर अच्छी चीजों से शुरू करा जाए तो मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि मूवी का डायरेक्शन काफी अच्छा है। मूवी में एक बहुत ही बढ़िया सा कलर पैलेट यूज किया गया है। फिर इसके बाद कंगना, अर्जुन, रामपाल इनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं और मूवी की एक्शन सीक्वेंसेस मजा आ जाएगा आपको देख के। और ना मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खून खराबा, वायलेंस, ब्रुटैलिटी दिखाई गई है। मतलब किसी को कांच लग रहा है तो आपको कांच दिखेगा, कोई बम से फट रहा है तो आपको फटता हुआ दिखेगा, किसी को चक्कू लग रहा है तो एकदम घुसेड़ते हुए और फील के साथ आपको सुनाएंगे। एंड मूवी में जितनी भी लोकेशंस दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर चाहे वो बुडापेस्ट हो या फिर हमारा भोपाल। भोपाल में शूट हुई है पिक्चर और इसी बात से मेरे को याद आया यार, इतना सस्ता भोपाली एक्सेंट यूज किया है पिक्चर में। सिर्फ मैडम मैडम बोलने से भोपाली नहीं बन जाते उस्ताद, कौन समझा है। लेकिन इसके बाद अगर मैं मूवी के बुरे एस्पेक्ट्स को पॉइंट आउट करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मूवी की फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस के बाद मूवी बहुत ही ज्यादा स्लो होने लगती है। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी स्लो पेस पे मूव करता है। मूवी एक्चुअली में कुछ थ्रिलिंग सीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करती है लेकिन आपको उसमें वो थ्रिल फील नहीं होता। फिर इसके बाद पर्सनली मैं कंगना के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। जब भी उसने ऐसे करके कोशिश करी कि नहीं अब बहुत हो गया और मैं बदला लूंगी, तो मुझे अंदर से वो चार्ज्ड अप वाली फीलिंग नहीं आई। फिर मूवी में कंगना के बचपन की सीक्वेंस है जिसको 3-4 बार रिपीट किया गया है और उसको बार बार देख के आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फील करते हो क्योंकि मूवी ऑलरेडी स्लो पेस पे मूव कर रही होती है। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कंगना की धाकड़ एक काफी धाकड़ टाइप की मूवी है जिसे अगर आप देखने जाओगे तो आई एम 100% श्योर कि निराश नहीं लौटोगे। हाँ, मूवी बहुत अच्छी और बहुत वाइल्ड नहीं है जो इसके ट्रेलर्स को देखकर लग रहा था। मतलब एक बार देखो, एंजॉय करो, पर हाँ, इसमें किसिंग सीन है, न्यूडिटी है, सेक्स है, वायलेंस है, तो ऐसे घर वालों के साथ में ना थोड़ा हिसाब किताब से, नहीं तो घर घुसते ही ना बेल्टे बेल्टे पड़ेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर इसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने अगर ये मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्रोमो डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Thank you.